लेके रहेंगे पीओ जेके, हमारा हक पीओ जेके, लेके रहेंगे पीओ जेके, हमारा हक पीओ जेके। और यही एक माध्यम होता है, इस माध्यम से हमने अपनी आवाज सेंटर तक, केंद्र तक हमने अपनी आवाज पहुंचानी है कि ये लोग कैसे, कहां से आए, कैसे आए, कितने दुखी हुए, कितने परेशान हुए, इनको अपने बेनिफिट नहीं मिले हैं, क्या क्या नहीं मिले हैं, क्या क्या मिलने चाहिए, क्योंकि जितना कुछ छोड़ के आए हैं कम से कम उतना तो मिलना चाहिए। लेकिन अब एक हमारी बात सुनने वाली सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है और सुनने वाली जो बैठी है, हमें अपनी बात सुनाने का मौका है, इस वक्त तो सुनानी भी चाहिए। वो कहते हैं और ये सरकार खुद ब खुद कह रही है कि आप कम से कम बोलो तो सही, कुछ बताओ तो सही, तो हम आपकी आवाज़ सुनी और सुनी है। और देखो मैं आपको एक बड़ी खुशी, उस समिति के बनने के बाद समिति ने, जैसे ये वहाँ प्रांत में बैठे हुए हैं, इनके संघर्ष से सेंटर तक जैसे इन्होंने बताया कि हम 47 के वहाँ से आए हुए हैं, आने के बाद सही बात है कि हमें यहाँ किसी को 30 कनाल, किसी को 32 कनाल ऐसी जगह मिली है। हमें अभी तक अपने पूरे हक हकूक, जैसा कि हम वहाँ छोड़ के आए थे, ऐसा कुछ नहीं मिला है। पहली बार इस सरकार ने आके थोड़ी पूछताछ शुरू की है कि भाई जो कमियाँ हैं वो पूरी करने के लिए आप आगे आओ, आप मांगो, क्या आपकी डिमांड है। पीछे जैसे ये कश्मीरी 89-90 में जैसे ये विस्थापित हुए थे वहाँ से, उनमें बोलने वाले या कुछ इस तरह का वो आगे आए, उनको जैसे हक हकूक पूरे मिल रहे हैं, कम से कम हमें उनके बराबर। और सबसे पहली बात, बड़ी बात हम ये कहना चाहते हैं, ये जो हमारी समिति बनी है, कि हमारा जो एरिया पाकिस्तान में रह गया है, हम वहाँ जो छोड़ के आए हैं, वो हमें पीओजे के वापस मिलना चाहिए। वो हम पीओजे के मिले वापस, वहाँ अपने जाके हम देखें, अपने घर देखें पुराने जो, और हमारी जो एरिया है उसको देखें कि वहाँ क्या क्या छोड़ के आए हैं, वो हमें हक चाहिए। अभी इस सरकार ने थोड़ी सी जो हमारी बात सुनी है, थोड़ी सी नहीं बहुत बड़ी बात सुनी है। अभी हम पिछले मंगलवार को बुलाया भी था, हमें वहाँ गए थे जम्मू में सुकेतर में 40 कनाल जगह जो इस सरकार ने करके, जो हमारी समिति ने मेहनत करके, जो जद्दोजहद करके वो मिली है, उसके भवन के लिए पैसा भी तकरीबन 17 करोड़ रुपया सरकार ने सेंक्शन किया है, उसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आगे के लिए भी मांग करते हैं कि हमारे हक जितने भी हैं, हमारे जो कमियां हमें रह रही हैं हमारी, वो हमें दी जाए। युवा की बैठक में हमने एक कैलेंडर का विमोचन किया, जिस कैलेंडर में पीओजेके में जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं, उन सारे धार्मिक स्थानों को दर्शाया गया और जिनकी मेंटेनेंस पिछले 70 सालों से वहाँ नहीं हो रही, ये जन भावना है कि हम उन इलाकों को वापस, उन अपने धार्मिक स्थानों को वापस अच्छे से मेंटेन करें। उनको पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये 22 फरवरी 1994 का जो रेजोल्यूशन है, उस अपने रेजोल्यूशन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट करे, वो पीओजेके का वो इलाका ले और हमारे इन धार्मिक स्थानों का वापस रख रखाव अच्छे से हो, हम लोग खुद उन इलाकों को संभालें, ये हमारा मुख्य एजेंडा था। और ये कैलेंडर जो हमने जिसका विमोचन किया, इसमें उन सभी धार्मिक स्थानों का हमने इस बड़े विस्तार से इसको दिखाया और साथ में इसमें लिखा हुआ है कि वो कौन से इलाके हैं, कहाँ पे हैं। जी आए हैं 3 साल तो कैंपों में रहे, नगरोटा चट्ठा, उसके बाद 50 एकड़ जब इधर आए, जमीन मिली है, लेकिन 2-3 बार तो फ्लड ने फसल तबाह कर दी। वो जो फ्लड ने फसल तबाह की, उसका भी कुछ नहीं मिला। मांग क्या करना चाहते हैं, जो आने वाली जनसंख्या है, इनको कुछ हक हकूक, नौकरी चाकरी मिलनी चाहिए। पढ़े लिखे बच्चे ऐसे फिरते हैं,